दोस्तों आने वाले टाइम में मैं काफ़ी सारे ट्यूटोरियल्स आपके लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, तो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब कर लें। हे गाइस, आई होप यू ऑल आर वेल एंड सेफ। दोस्तों लास्ट कुछ दिन से मैं वीडियोस नहीं डाल पाया क्योंकि फैमिली में कुछ फंक्शंस थे और थोड़ा वर्कलोड भी था, बट अभी मैं कोशिश करूंगा कि फ्रीक्वेंटली आपके लिए वीडियोस लेकर के आता रहूं। दोस्तों हमें वाटर कलर के लिए अलग ब्रशेज लेने पड़ते हैं, एक्रेलिक के लिए हमें अलग ब्रशेज लेने पड़ते हैं, और अगर आप ऑयल पेंटिंग में काम करते हैं तो उसके लिए तो आपको अलग ब्रशेज लेने ही पड़ते हैं। बट इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक ब्रशेज जो कि आप हर मीडियम के लिए यूज़ कर सकते हैं और उतनी ही एफिशिएंटली दोस्तों तीनों मीडियम्स में आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए विदाउट फर्दर ड्यू लेट्स मूव ऑन टू अ टेबल एंड सी कौन सी ब्रशेज़ के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ बोमेगा की ब्रशेज़ के बारे में। यहाँ पर लॉन्ग हैंडल की ब्रशेज़ मेरे पास हैं और इनकी खास बात यह है कि आप इनको तीनों मीडियम्स में यूज़ कर सकते हो, यानी कि वाटर कलर, एक्रेलिक या फिर इवन अगर आप ऑयल पेंटिंग भी करते हो तो उसके लिए भी आप इन ब्रशेज़ को यूज़ कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, जो ब्रशेज़ आप ऑयल पेंटिंग के लिए यूज़ करो उनको सेपरेट रखिएगा और जो आप वाटर कलर या फिर एक्रेलिक के लिए यूज़ करो उनको सेपरेट रखिएगा। आपने मुझे देखा होगा कि कई सारे वीडियोज़ में मैं ये ब्रशेज़ यूज़ भी करता हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको तीनों मीडियम में एक एक पेंटिंग भी बना के दिखाने वाला हूँ, और जो मेरी पर्सनल फेवरेट है वो है ये ब्रश, ये है एंगुलर ब्रश। अब इसकी दोस्तों खास बात ये है कि आप इससे फ्लैट ब्रश का तो काम ले ही सकते हो, ये काफ़ी वर्सेटाइल है, काफ़ी वैरायटी में आप इससे काम कर सकते हो ही सकते हो। आप इससे लाइन भी डाल सकते हो सीधी, अगर आपको डिटेल काम करना है तो आप इस एज के साथ डिटेल काम भी कर सकते हो, और अगर आपको यू नो राउंड ब्रश का काम करना है तो भी आप इससे एकदम एजी उससे राउंड ब्रश का भी काम कर सकते हो। अगर आप इसको इस तरीके से लगा दोगे तो इसकी शेप राउंड ब्रश की जैसे ही हो जाती है। तो ये ब्रश काफ़ी मुझे वर्सेटाइल लगती है और मैं इसको काफ़ी यूज़ करता हूँ। तो अभी दोस्तों करते हैं हमारी पेंटिंग स्टार्ट, सो लेट्स पेंट। सो यहाँ पर दोस्तों मैं पहली पेंटिंग बना रहा हूँ वाटर कलर में। इसी तरीके से मैं तीन पेंटिंग्स बनाने वाला हूँ, एक होगी वाटर कलर में, एक होगी एक्रेलिक में और एक होगी ऑयल पेंट के साथ। और तीनों ही पेंटिंग्स के लिए मैं बोमेगा की ब्रशेज़ यूज़ करने वाला हूँ। बट एक चीज़ मैं यहाँ पर अंडरलाइन कर देता हूँ कि जो ब्रशेज़ मैं वाटर मीडियम में यूज़ कर रहा हूँ वो मैं ऑयल मीडियम में नहीं यूज़ करूँगा, क्योंकि दोनों ही सेपरेट मीडियम। ब्रशेज़ आप ऑयल मीडियम के लिए यूज़ कर रहे हैं वो आप वाटर मीडियम में यूज़ ना करें, क्योंकि इससे आपकी ब्रशेज़ ख़राब हो सकती हैं। सो एन्जॉय द पेंटिंग्स।
तीनों में से कौन सी पेंटिंग आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इन ब्रशेज़ का लिंक दोस्तों मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आप कोई भी वीडियो अपडेट मिस ना करें। ये पेंटिंग जो है दोस्तों वो मैंने अपने स्केचबुक में बनाई है और ये बनाई है पेपर पर, जो कि है आइवरी पेपर। सो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी पेंटिंग। आपने मुझे इतना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।